योगी सेना राजस्थान द्वारा अलवर में भी जिला स्तर पर योगी सेना का गठन किया गया। इसमें विधानसभा वार प्रभारी बनाए गए। योगी सेना से जुड़े विक्रम सिंह और अजय पाल ने बताया कि योगी सेना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व की रक्षा करना और गो रक्षा और लव जिहाद के खिलाफ काम करना। अभी जिला स्तर पर टीम बनाई जा रही है जिसका नियुक्ति पत्र प्रदेश प्रभारी द्वारा दिया जाएगा। इस मौके पर योगी सेना के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मोहन दास भी मौजूद रहे। आज जो सभा हो रही है यह है योगी सेना, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है जिसकी स्थापना एक साल पहले लगभग 29 मई को हुई थी भारत के अंदर। और आज योगी सेना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि नेपाल में भी और कुछ जगह पर पाकिस्तान में भी हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है। राजस्थान की प्रदेश टीम के बाद अलवर जिले की यह पहली कार्यकारिणी आज बनाई जा रही है। आज की टीम का मुख्य उद्देश्य कार्यकारिणी बनाना है प्लस उसके आगे का विस्तार करना है। अलवर शहर, अलवर जिला प्लस बाकी जितने भी अलवर शहर का अलवर जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र आते हैं उन सबकी कार्यकारिणी में जो जो भी आज पद दिए जाएंगे उनका नियुक्ति होगी। उनको यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान मोहनदास जी महाराज, राज्यपाल जी जो राजस्थान टीम से हैं वो दोनों यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, वो यहाँ प्रेजेंट रहेंगे और वो अपना हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आज की इसका सभा का मुख्य उद्देश्य कार्यकारिणी विस्तार ही है जो कि अलवर के अंदर पहली बार किया जा रहा है। और योगी सेना का आज अलवर जिला में कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है। जैसा कि योगी सेना का गठन हिंदुत्व की रक्षा के लिए और हिंदुत्व के विस्तार के लिए, हिंदुत्व की संगठन में जो देश में और धर्म के लिए आज क्षति पहुंच रही है हिंदू धर्म को, उसी रक्षा के लिए संगठन का आयोजन किया जा रहा है। लोगों में जागृति लाने के लिए, गौ रक्षा के लिए, राम मंदिर के लिए और सभी तमाम जो हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए हिंदू योगी सेना का गठन किया गया था और इसी वजह से ही हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं।